तो वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो आज एक नई ट्रिप शुरू होने जा रही है, थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। वैसे थंबनेल से तो पता चल ही गया होगा, तो अभी जल्दी अभी यहाँ पे आ गए हैं एयरपोर्ट पे, टर्मिनल 3 पे। तो जो अपनी फ़्लाइट होगी वो होगी एयर एशिया। तो अभी दिखाता हूँ, जो जनता तो बिल्कुल कम है यहाँ पे। अभी यहाँ पे अपना मैं टर्मिनल ढूँढूँगा कहाँ पे है, तो फिर आगे देखते हैं। कुआलालंपुर 1K585। तो ये अपना है चेक इन का यहाँ पे एयर एशिया का E16 में। अभी हम चेक इन करेंगे, उसके बाद अगले स्टेप में जाएंगे इमिग्रेशन क्लियरेंस करने के लिए। वहाँ पे ECC का देना पड़ेगा थोड़ा फीस, तो वो भी मैं दिखाता हूँ। तो लाइन यहाँ पे लगी हुई है, पर बंदा जो बैठा हुआ है वहाँ पे अपना डेस्क पे, वो एक ही है। तो जिसकी वजह से थोड़ा टाइम लग रहा है, पर अपनी फ़्लाइट 10:45 की है, तो उसमें अभी टाइम थोड़ा है। अभी 8:10 हुए हैं। तो अभी हमने कर लिया चेक इन, तो दूसरी तरफ अब जाऊंगा मैं, वहां से कैश निकालूंगा, क्योंकि ECC जो इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड होता है उसकी फ़ीस देनी पड़ती है। तो यहाँ पर अभी मैं ढूँढूँगा BPI का ATM, जहाँ से मैं निकालता हूँ, जो मेरा बैंक है। तो ये यहाँ क्या है, काफ़ी एक्सचेंज वगैरह भी यहाँ पे मिलेंगी, रेट पहले की तरह सही नहीं मिलते हैं। तो अगर मैं आगे से बताऊँ, वहाँ से एंटर करते हैं, तो यहाँ पे साइड पे ये अपना ATM आ गया। तो यहाँ से अभी मैं निकालूँगा। तो अभी मैंने 13,000 निकालनी है, 13,000 से मैं चेंज करूँगा अपने 10,000 का, मैं चेंज कर दूंगा रिंगिट, और मेरे ख्याल 2,500-3,000 इधर लगता है ECC क्लियरेंस का, तो वो यहाँ पे पैसों में देना पड़ता है, वो अंदर नहीं यूज़ करते हैं। तो ये आगे से मैं दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे सामने से मैं जाके चेंज करूँगा, वो सामने वाली जो एक्सचेंज है वहाँ पे जाके, फिर बाद में यहाँ से अंदर जा सकते हैं। नाउ दे मेक इट बिगर। I want to change ringgit 10,000 peso. I want to get the ringgit. तो ये रेट देखो यहाँ पे, यस है, ओके ओके। अभी मैंने रेट यहाँ से पूछा, तो अगर यहाँ से मैं देखूँ अपने फ़ोन के हिसाब से, तो 10,000 पीसों का मेरे को 8,000 पीसों का मिलता है 714 रिंगिट। ये यहाँ पे है, पर ये बंदा मेरे को 10,000 का दे रहा है 714, तो तकरीबन आप लगा लो 1,000 पैसों का इसमें लॉस ही हो रहा है। तो ये बात है। तो भाई अभी हमारी हो गई है यहाँ से पूरा चेक इन वगैरह, क्लियरेंस वगैरह, तो मेरे पीछे आप देख सकते हो ये। तो गेट नंबर यहाँ पे 101 से 103 13 हैं। पहले भी मैं काफ़ी बार आपको बता चुका हूँ यहाँ पे पूरा, तो अभी तो काफ़ी मतलब ज़्यादा जनता, इतनी ज़्यादा जनता नहीं है अपना ट्रैवल कर रही, पर थोड़ी ही है। पर यहाँ से आप चीज़ें खरीदो वो थोड़ी महंगी भी पड़ेंगी। तो बाकी यहाँ पे पूरी ये है, बाकी अभी यहाँ से होगी फ़्लाइट हमारी 10:45 के, तो टाइम अभी अपना हो रहा है 9 बज गए हैं, तो अभी भी अपना 1.5 घंटा है, 10 बजे शुरू हो जाएगी बोर्डिंग मेरे ख्याल से। तो बाकी इन्होंने थोड़ा ठीक कर दिया, अभी एयरपोर्ट इतना भी बढ़िया नहीं कि अंदर से, थोड़ा सा सही कर दिया।
शॉपिंग वगैरह यहाँ पे कर सकते हो। ये लोकल दुकानें वगैरह यहाँ पे सामान वगैरह मिलता है, पर एयरपोर्ट के बीच में से तो महंगा ही मिलेगा। और यहाँ से ही आप देख सकते हो, अभी जाते हैं अपने गेट नंबर पे, बैठते हैं आराम से पूरा सेटअप वगैरह करके, फिर देखते हैं आगे की तरफ। आज है दिन वीरवार और इतनी ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, पर बाद में जब लेट फ्लाइटें भी कई बार निकलती हैं यहाँ से तो 1-2 बजे के करीब, तब ज़्यादा जनता होती है यहाँ पे। तो हमारा गेट नंबर आगे जाके आएगा। गिवमी, तो ये मैं आपको दिखाते चलता हूँ साथ में। यहाँ से हम आगे जा रहे हैं 101.05 गेट के नंबर पे। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है अपना स्मोकिंग एरिया। पर वो जो स्मोकिंग था वो वहाँ पे इलेक्ट्रिक सिगरेट ही बंदा पी सकता है, दूसरी वाली सिगरेट नहीं है। एक बात मैंने देखी, इनका ये जो है ना 105, 101, 102 जो गेट नंबर हैं वो सबसे ज़्यादा एंड में बनाए हुए हैं, और वो जो छोटी छोटी एयरलाइन रहती हैं, एयर एशिया, सीबू, पैसिफिक, उनके ही गेट में हैं। और वहाँ पे चलना भी काफ़ी पड़ता है कई दफ़ा। तो ये जो एस्केलेटर्स में अभी जा रहा हूँ मैं, मेरे पीछे ये कई दफ़ा चलती भी नहीं है। ये मेरे पीछे देखो कितनी दुनिया बैठी हुई है, सारे वेट कर रहे हैं जब अपनी फ्लाइट। अभी हम बिल्कुल एंड में आ गए हैं और मेरी राइट तरफ से देखो कितनी दुनिया यहाँ पे बैठी हुई है। और अपना जो गेट नंबर है वो है 105, वो बिल्कुल एंड में जाती है। यहाँ पे जाके भाई अपनी फ़्लाइट यहाँ पे, ये जो एयरपोर्ट है यहाँ की सर्विस जो एकदम वर्स है, ये आपको दिखाता हूँ। ये पीछे बंदे कितने खड़े हुए हैं, और पहले तो यहाँ पे कंफर्म ही नहीं हो रहा था गेट नंबर क्या है, और पीछे मेरे देखो कितने बंदे हैं। तो अभी कंफर्म हुआ है तो अभी हम जा रहे हैं, फ़्लाइट ऑलरेडी डिलेड है थोड़ी मिनट्स पर। और यहाँ पे एक काउंटर जो ये 105 गेट है, यहाँ पे ही इन्होंने 3-4 फ्लाइटें और लगा दी थी जैसे ये लगी हुई हैं, तो इसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी डिले हो रहा था और लोग भी काफ़ी कंफ्यूज थे। बट एनीवेज अभी हम यहाँ पे खड़े होके तो निकल जाएंगे टाइम से, अदरवाइज़ हमारी आगे एक कनेक्टिंग फ़्लाइट भी थी जो भी डिले हो सकती। ये यहाँ से ये नीचे बसें हैं और यहाँ से हम एंटर करेंगे। अभी प्लेन आया नहीं है पर इन्होंने हमें बोल दिया कि यहाँ पे आके खड़े हो जाओ, उस तरह प्लेन आएगा। तो भाई साहब अभी बैठ गए हैं हम प्लेन में, तो टाइम थोड़ा लग रहा है यहाँ से, थोड़ा लेट हो गए थे। तो अभी आपको आगे भी बताता हूँ इसका प्लेन का थोड़ा है, तो एयर एशिया छोटा सा प्लेन होता है। बट एनी वेज
देखो आप क्या ऑर्डर कर सकते हो। तो मैं अभी बिरयानी ऑर्डर करूँगा, अपना जो है यहाँ पे नासिर नासी बिरयानी तो वो थोड़ी ठीक है, पहले भी की हुई है मैं वो करूँगा ऑर्डर। और उनकी टी जो है अपना हॉट टी तारीख वो ऑर्डर करूँगा, आपको दिखाता हूँ बाद में। तो ये अभी चिकन राइस मिल गया जो पहले मैंने नहीं लिखा था, वो नहीं लिखा। तो ये चिली है इस वजह से काफ़ी पानी, एक सेट है जो वो तकरीबन 25 रिंगिट का पड़ा, जो कि लिखने का बंद हो आपके 280-290, जो ठीक है, इतना महंगा नहीं है, टेस्ट भी देखते हैं कैसा है। तो अभी मैं चेक करके तो खाना जो था भैया नॉर्मल ही था, 10 में से 3 या 4 नंबर देता खाने को, और जो चाय थी वो बिल्कुल अच्छी थी, सही थी चाय। तो ये भाई अभी लैंड कर गए हैं यहाँ पे, तो सुबह के 4 बज रहे हैं, फ्लाइट पहले ही डिले थी अपनी 2 घंटे, तो अभी 4 बजे हम बज रहे हैं, तो तकरीबन पहुँचे यहाँ पे। तो ये है मलेशिया का एयरपोर्ट इधर, है तो पहले भी मैंने ब्लॉग बनाया था, लास्ट टाइम आपको बताया था, है तो ये एयरपोर्ट बहुत बड़ा है। चलने में यहाँ पे बहुत टाइम लगता है, बिल्कुल साफ सुथरा है ये एयरपोर्ट, और चलने में अपना थोड़ा टाइम लगता है इसमें, एस्केलेटरें भी बनाई हुई हैं पूरी। हर चीज़ ना यहाँ पे एयरपोर्ट पे बहुत अच्छे तरीके से बनाई हुई है। अब ये देखो आगे तक एस्केलेटर लेके जाएगी पूरी। तो ये होती हैं जो अच्छी एयरपोर्ट होते हैं। तो ये मैं इधर से भी दिखाता हूँ, बाहर का पूरे अलग से टर्मिनल बनाया हुआ है, एक एयर एशिया का और मलेशियन एयरलाइन का पूरा अलग से है, बहुत अच्छा है। आगे इस एयरपोर्ट में जो बाहर निकलते दुकानें इतनी ज़्यादा हैं कोई कहने की बात ही नहीं है, और 1 किलोमीटर दूर जाके तो वो टैक्स फ्री भी है। एनीवे मेरे को बाहर तो जाना नहीं है, दूसरा यहाँ पे चेंज करनी है फ्लाइट। टाइम देखो ऊपर तकरीबन 4 बजने वाले हैं। तो भाई इमिग्रेशन में 3-4 क्वेश्चन पूछते हैं, हाँ भाई कितनी देर के लिए आए हो, क्या कर रहे हो, तो उसके बाद अभी देखता हूँ कितने दिनों की स्टैंप लगाई है। तो इतना ही होता है क्योंकि मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट भी है, तो यहाँ से आप देख सकते हो ये बैग वगैरह उठाने हैं, साथ में ही है, बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है एयरपोर्ट। रमज़ान की भी अभी चल रही हैं, उसकी वजह से भी ये अभी है नहीं इतने ट्रैफिक लोगों की यहाँ पर, और सुबह की अर्ली फ़्लाइट है तो इतने ज़्यादा है नहीं है। तो अभी वेट कर रहे हैं हम अपने लगेज बैग का, तो बैग हमने उठा लिए यहाँ से, तो अभी बाहर निकलेंगे। तो ये ट्रॉलियाँ भी ले ली हैं यहाँ से, केलून कूलर वे आउट।
तो अभी आ गया यहाँ पे, तो ये यहाँ पे चेक भी करवा लिया बैग। वेलकम टू मलेशिया ट्रूली एशिया। अभी आज के लेटर से ऊपर जा रहे हैं ये बैग लेके। नीचे देखो ये कितनी दुकानें हैं आगे, रमज़ान की वजह से सारी दुकानें अभी ओपन हैं ताकि सुबह का सहरी का टाइम हो जाए तो लोग खाना खा सकें। अदरवाइज और भी रेस्टोरेंट ओपन रहते हैं इस टाइम पे। तो ये लेवल 3 आ गया अभी। तो अभी एक चेक इन करा के दूसरी चेक अभी यहाँ पे आ गए हैं, खाना खाएंगे यहाँ पे। एयरपोर्ट के बीच में ही है ये रेस्टोरेंट, तो यहाँ पे खाना वगैरह खाते हैं और अगले निकलते हैं। 6:50 पे अपनी अगली फ्लाइट है सुबह की। तो भाई ये अपना खाना है, ये राइस है और ये साथ में चिकन और थोड़ा दिल है। तो ये है अपना मलेशिया में अभी एयरपोर्ट पे खाना खा रहे हैं। तो ये तकरीबन अपने को पड़ा है 22 रिंगेट, जो अपने बन गए तकरीबन 250 के करीब।